मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स लेके आपके सामने आएंगे। करा था, नहीं करा था, और उसी प्रयास के अंदर अब अगला पॉइंट्स और अगला कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डले हुए हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम को 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 20 सेकंड में, विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन लोग 10-10 15-15 मिनट में करते हैं, उस क्वेश्चन को आप विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, विद इन फ्यू मिनट सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे लेक्चर्स, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स काफी सारे जो हैं आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे जाइए और उसे देखिए, उसका बेनिफिट लीजिए। साथ में चैनल पे कई सारे वीडियोज हैं रिलेटेड टू योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि आपका जेई के लिए, नीट के लिए काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। तो उसको यूज कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके बेनिफिट लीजिए हमारे काम का। साइट पे जाइए हमारे, वहां से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए जिसके कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आएंगे। साथ में हमारा जो ऐप है इरोडोव सॉल्यूशन का, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि आप इरोडोव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन को देख सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स को लेकर के एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत आसानी से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे इस जो आपके सिलेबस, जो हम लोग कहें कि हाई स्कूल सिलेबस या आईआईटी जेई मेन सिलेबस वगैरह से, उससे थोड़ा सा हटके है और हायर लेवल पे यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो अब उसकी यूटिलिटी कहाँ पे, पहले उससे शुरुआत करते हैं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत समझा सकूं कि क्यों आपको अभी जरूरत है, जिससे कि प्रॉब्लम को काफी आसानी से और काफी कम टाइम में किया जा सके। जनरली आप देखेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आता रहा है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, दिस वन -5 3+5y 3/2 -4i 3 -5y 8 4+5y और जो देख रहा है आपको 3/2 + 4i 4 - 5y and 9, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि मैं जैसे ऐसे प्रॉब्लम को देखूंगा, मैं सीधा आंसर इसके जीरो कर दूंगा। आप कहोगे सर कि ये तो आपने गजब कर दिया, ये तो आपने ट्रिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का वन ऑफ द होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो कि आपके अभी लेवल पे नहीं है, राइट? और आप समझ भी जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा एक रियल नंबर होता है। हमें पता है कि एक मैट्रिक्स का जो है, जो एंट्रीज हैं आपके, वो एंट्रीज आपका एक रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अब मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझाने के लिए क्या करता हूं कि एक मैट्रिक्स लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स रियल नंबर है, बाकी सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? अब ध्यान से सुनिए बात को। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का, ये जो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, राइट? अब इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए, पहला काम ये कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम लोग, तो बहुत आसान है लेना। -5 8 9 का तो वही रहेगा, 3+5y का 3 - 5y हो जाएगा, ये 3/2 + 4i हो जाएगा, ये 3+5y हो जाएगा, ये 4 - 5y हो जाएगा, ये 3/2 - 4i हो जाएगा और 4+5y हो जाएगा। ले लिया आपने हर एक एलिमेंट का, फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे कि सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका जब आप पहले हर एलिमेंट का आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया एंड देन टेक द ट्रांसपोज, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, जिसको हम लोग ए डैगर से डिनोट करते हैं। ए डैगर, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट्स का हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के हर एक, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का हमने क्या लिया, यहां पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड देन उसके बाद उसका बेसिकली हमने ट्रांसपोज ले लिया, जो नया मैट्रिक्स बना, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स जो ओरिजिनल है।
तो जब भी ऐसा हो जाए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल जाए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं बेसिकली हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक ऑलवेज रियल नंबर होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स हम लोग तैयार करेंगे, ये बेसिकली एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि यही है। इसलिए इस डिटर्मिनेंट के, इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी बेसिकली एक प्योरली रियल नंबर होगी, इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट सिंपली जीरो होगा, राइट। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। और हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स भी करता रहता हूं और लोगों को बताता हूं मैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, इसलिए मेरे को इस हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो है नॉलेज है। अब मेरे ख्याल से आपको भी ये नॉलेज आ गया हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, राइट। तो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो जब भी इस तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि इस और इन पर्टिकुलर पूछ दिया जाए कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो इन जनरल आप ये ऑब्जर्व करिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। जिसको जानने के लिए कुछ नहीं करना है, हर एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, एक नया मैट्रिक्स बना, फिर उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ताकि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में यदि कन्वर्ट कर गया तो हम लोग कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया, तो ये समझ लीजिए कि इसका जो ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी प्योरली रियल नंबर आएगी, इसलिए ये इसका इमेजिनरी पार्ट सिंपली जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो मैंने ये आपको समझाया है, हालांकि ये आपके हिसाब से जनरली सबके हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस है, बट समझना तो बहुत आसान है। ये आपका कहने के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं यदि इस पॉइंट को आपके सामने यदि रखा हूं, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया कॉन्सेप्ट को, ताकि मैं आपको समझा सकूं और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करा सकूं। यदि मैं कभी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर लेक्चर देना शुरू करूंगा, तो उस समय हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स का काफी ज्यादा यूज है यहां पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको ये लेक्चर जो है बेनिफिट करेगा आपके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और तो जरूर से लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, और यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स और नए पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि आपको जो टफर प्रॉब्लम करना जो है ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।